जय जय सियाराम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोलिए सिसला धाम की, चिलकाना धाम की, खाटू नरेश की। मेरी गुजारिश, सभी बैठ जाएं, मैं थोड़ा आगे आ जाता हूं ताकि सबको नजर आ जाऊं। ये कैमरामैन जितने भी हैं सब बैठ जाएं भाई, बैठ जाओ। आपके पीछे पंडाल कट रहा है, मैं कैमरे में आऊं ना आऊं भक्तों को दिखना चाहिए। बैठ जाओ। मैं ऐसे तो हरियाणा में हर जगह जाता हूं, देखो आज का ये पटका मेरे लिए नहीं, ये पटका इस समिति के लिए होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां इस मंडल के लिए जिन्होंने आज यहां श्याम भक्तों की गंगा बहाई हुई है। बैठ जाएं सभी, जिसको जहां जगह मिले। भैया ये लाइट बंद कर दीजिए यहां से, ये कौन चला रहा है, इसका निकाल दो, प्लग निकाल दो इसको। हाँ इसको निकालो यहां से, चार आदमी बैठेंगे इसके नीचे। आइए भैया, ये कैमरामैन वाले मैं लिखित में दूं क्या? बैठ जाओ यार, नहीं चाहिए ऐसा कैमरा कि किसी भगत को नजर ना आए। कोई आदमी 100 रुपए का तेल भूख के आया, उसको भी आनंद पूरा आना चाहिए साहब। हम कैमरा कैमरा खेलते रहे उसका क्या फायदा। बैठ जाओ। आइए पुनः हरियाणा के कट्टर श्याम प्रेमियों को मेरा प्रणाम है। शुरू करें, आइए। Oh,
शक्ति पार्वती पतिये नमः कीर्तन प्रारंभ करता हूं। सुनो मेरे भगवान, थल में विराजियो, मैं धरु तिहारो ध्यान, आइए हरियाणा की पावन धरती से आज्ञा ले। जहां दिया शीश का दान वो हरियाणा की धरती महान, इस आसमान से इजाजत ले, दरबार में मौजूद तमाम शक्तियों से इजाजत लें, इस बहती हुई हवा से आज्ञा लें, क्योंकि इस समय जो हवा कैथल में बह रही है वही हवा खाटू श्याम जी में बह रही है। क्या पता जो ताली यहां बजाए वो हवा में बहती बहती खाटू धाम चली जाए। उठाए जरा दोनों हाथ, मिलकर बुला दें एक बार, आबो जी आबो, आबो जी आबो, आबो आबो जी आबो, आबो जी आबो, आमो जी आमो, 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 आमो जी आमो। या देवी सर्वभूतेषु मां मनसा देवी रूपेण संस्थिता, मां चंडी माता रूपेण संस्थिता, मां कालका रानी रूपेण संस्थिता, मां नैना देवी रूपेण संस्थिता, मां ज्वाला देवी रूपेण संस्थिता, मां चिंतापूर्णी रूपेण संस्थिता, मां बगलामुखी रूपेण संस्थिता, मां कांगड़े वाली रूपेण संस्थिता, चामुंडा देवी रूपेण संस्थिता, मां वैष्णो रानी रूपेण संस्थिता। और हरियाणा में या तो देवियां हिमाचल में है या फिर हमारे हरियाणा में है। सुन लो हरियाणा में कौन कौन है। शाकंभरी माता रूपेण संस्थिता, बाला सुंदरी रूपेण संस्थिता, गुड़गामा वाली रूपेण संस्थिता, बनभोरी देवी रूपेण संस्थिता, गोबेरी माता रूपेण संस्थिता, पहाड़ी माता रूपेण संस्थिता, गड़ी महासर रूपेण संस्थिता, गोदेव सरवाली रूपेण संस्थिता, जीण माता रूपेण संस्थिता, गोकर्णी माता रूपेण संस्थिता, वो झुंझुनू वाली रूपेण संस्थिता, कात्यानी मैया रूपेण संस्थिता, वो कालका रानी रूपेण संस्थिता, वो झंडे वाली रूपेण संस्थिता, कलकत्ते वाली रूपेण संस्थिता, कामाख्या रानी रूपेण संस्थिता, वो धूमामती रूपेण संस्थिता, पीताम्बरी मैया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। कौन कौन मानता है माँ को, जो माँ को मानता हो दोनों हाथ उठाकर गाना एक बार। हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, 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 हे माँ मुझे तेरी जरूरत है।
कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर में डेरा, डालोगी मेरे घर डेरा, तेरे बिन जी नहीं लगता मेरा, मुझे तेरी जरूरत है हे मां, मुझे तेरी जरूरत है। रे भोले बाबा के भी भगत है क्या यहाँ पे? आज जिसने देखो वो मांगन लाग रहा नोट छापण की मशीन दे दे, और सच्चाई तो यही है कि मशीन है उसी के पास ही, लेने वाले की औकात होनी चाहिए साहब, देने वाला तो हजार हाथ का है। बम्बा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, आवाज आए अगर भोले के भगत तो बम्बा भोले, आवाज नहीं आई बम्बा भोले, बम्बा ध्यान रखा करो, आजकल नए तरीके के संत आ रहे हैं जो सुल्फा गांजा पी के बताते हैं तुम्हारे साथ होगा क्या, और पूछ लो गांजा क्यों पीते हो तो बोलते भोलेनाथ का प्रसाद है। तो एक काम करो, 100 बार गांजा पियो, 1 बार विष भी पी लो, वो भी भोलेनाथ ने पिया था। क्यों बदनाम करते हो धर्म को यार? ये नौजवान नशा करते हैं तो सांवरे के नाम का करते हैं, नशा करते हैं तो भोले के नाम का करते हैं। और दोगले हिंदुओं का ध्यान रखा करो, दोगला हिंदू समझते हो? जिसको राम राम लिखो तो गुड मॉर्निंग लिखता है, समझाओ तो कहता नहीं मेरा भाई है। जिसको भाई भाई कहते हो ना, उसको एक दिन गंगा जल देना, ले पी ले, जिस दिन मना करेगा उस दिन समझ आएगा भाई है कि कसाई है। अपने धर्म के पक्के रहा करो, और जिनको राम के नाम से तकलीफ है, जो नाम ना ले राम का वो काम करे चांडाल का, मृत्यु भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का, तेरा हाथ उठाकर गाना ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, समान दाता नहीं विपद मिटारण लज्जा मोरी राखियो, लज्जा मोरी राखियो, सिर्फ भोले के भक्तों की ताली बजनी चाहिए। डम 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 रूप भोले बाबा, डम 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 रूप भोले बाबा, ये तो नाम जपे तेरा बाबा, डम 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 रूप भोले बाबा, तेरा नाम जपे मेरे बाबा, ये राम राम की धुनी निकाले, राम नाम की धुनी निकाले, बाबा डमरू वाला के डम डम, डम डम डमरू बोले बाबा, डम डम डमरू बोले बाबा। एक बार मिलके गाना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको पता है केदारनाथ में एक बार ओम नमः शिवाय कहते हैं तो 20,000 बार लगता है, कितनी बार? और इस समय कैथल में 40,000 से ज्यादा भगत है, इसका मतलब कैथल कैथल नहीं रहा, कैथल आज डबल केदारनाथ हो रखा है। यहां एक बार बोलेंगे तो 20,000 बार नहीं 40,000 बार होगा। एक बार पूरा पंडाल बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मेरे युवा भाई एक जयकार सिखा के जा रहा हूं, थोड़ा घमंड में बोला करो,
कैसे बोलोगे? मेरे साथ पीछे बोलना, बोलो नमः। नमः पार्वती। बताए हरे हरे, ओम नमः शिवाय। बोलो शक्तियां इस समय इस पंडाल में घूम रही हैं। पहली शक्ति आपके कुल देवता जिसने जन्म दिया, दूसरी शक्ति इष्ट देवता, ये बीच में खाटू वाला सांप आपका इष्ट देव बनकर बैठा हुआ, तीसरी शक्ति कुल देवी, और चौथी शक्ति सबसे बड़ी पितर जी महाराज। को मानते हो माना करो मेरे भाई, मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग। किसी भी सियाने के पास जाते हो, मेरा काम नहीं बनता जी, देखना थोड़ा। अच्छी बात है, सियाने के पास जाना बुरी बात नहीं, सियाना हमारे घर का बुजुर्ग भी होता है, उस सियाने से भी कभी राय ले लिया करो साहब। बार का जोगी जोगना, क्या बोले वो, घर का जोगी जोगना बार का जोगी सी, घर वालों की राय नहीं लेते, दादा तो बेकार है यूं ही बोले, लेकिन बार दूसरे का दादा ठीक बोलता है। अपनों से प्यार करना सीखो, अपनों से प्यार करना। आज किसी सियाने के पास चले जाओ, मेरा काम नहीं बनता, ओहो दो मिनट में बता देता है, तुम्हें तो पितृ दोष है, ना तुम्हें राम दोष, ना तुम्हें श्याम दोष, ना तुम्हें माता दोष, तुमने दुनिया की ठगी करी कोई दोष नहीं, बस तुम्हारे जो स्वर्गों में पितर बैठे वो नाराज होंगे, उसको पूछना दादा मेरा, पर दादा मेरा सेवा मैंने करी, वो नाराज है, ये तुझे कैसे बता के चला गया, मुझे बता के जाता या दूसरे को बताएगा। अच्छा एक बात का जवाब दो, पितृ दोष का क्या मतलब, पितरों की नाराजगी, और पितृ दोष कब खत्म हो जाता है, जब पितृ राजी हो जाते हैं। स्वर्ग एक है कि दो है, जोर से बोलो कैथल एक है कि दो है, ऐसे ही स्वर्ग भी एक ही है। इस समय आपके दादा भी वहां बैठे हैं और मेरे दादा भी वहां बैठे हैं, आपस में क्या बात कर रहे होंगे, वाह भाई वाह, आज तो कैथल में मजा आ गया, मेरा पोता भी श्याम बाबा का भगत और तेरा पोता भी श्याम बाबा का भगत, दोनों हाथ उठा के कहना, जो सिल्ली सिल्ली आती है बाबा उठे कोई इकट्ठा होवेगा, जो सिल्ली सिल्ली आती है बाबा उठे कोई इकट्ठा होएगा, जो सिल्ली सिल्ली आती है बाबा उठे कोई इकट्ठा होएगा, जो सिल्ली सिल्ली आती है बाबा उठे कोई इकट्ठा होएगा। और सिर्फ इसलिए पितरों को याद मत किया करो कि वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्गों ने 800 सालों तक मुगलों की गुलामी करी, 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी करी, मुगल चाहते थे हम सब मुसलमान हो जाएं, अंग्रेज चाहते थे हम क्रिश्चियन हो जाएं, हमारे बुजुर्गों ने गरीबी सही गुलामी सही, शहर छोड़ा गली छोड़ी, पर ये हिंदू धर्म नहीं छोड़ा साहब, इसके लिए भी धन्यवाद किया करो, अपने हिंदू धर्म के लिए दोनों हाथ उठा के, जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा, 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 जय हो पितर देवा, जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा, करूं मैं तेरी सेवा, जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा, जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा, जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा। अब जो नाम लेने जा रहा हूं पता लग जाएगा भगत कितने और आशिक कितने हैं, खाटू वाले श्याम जी, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से पूरी आवाज़ आए,
कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये, मैं ही तो बस जानू ये, सवरिया मैं ही तो बस जानू ये, हरे का सहारा एक तू ही खाटू वाले, इतना ही बस जानू मैं सवरिया, इतना ही बस जानू मैं सवरिया, इतना ही बस जानू मैं। अगली लाइन मुझे भरोसा कैथल वालों को आती है, खाटू वाले एक बार और, भीड़ ज्यादा है, बाद में कहोगे पीछे वाला सीट ले गया। और ये जो छतों पे चढ़े हुए भाई, और चढ़ के छुपारे देख ले, और शाम के नजारे देख ले, और चढ़ के छुपारे देख ले, और शाम के नजारे देख ले। जो लोग खाटू नहीं जा पाते निशान चढ़ाने, सुनना मेरी बात ध्यान से, जिनके पास समय की कटौती है, पैसे की कटौती है, अगर इसको सही करना चाहते हो तो रिंगस अपने घर को समझना और सिसला धाम को ही खाटू धाम समझ के निशान चढ़ा देना। दोनों हाथ उठाना जिसको भरोसा हो बाबा पे, और ताली बजाना एक बार मिलके, एक दो तीन चार। खाटू नरेश की, शीश के दाने की, लक्ष दातार की, रिंगस से पैदल जो निशान लेके आया, बिगड़ी बना दी तूने, बिगड़ी बना दी तूने सवरिया, बिगड़ी बना दी तूने, निर्बल को बल मिला, निर्धन को धन मिला, किस्मत जगा दी तूने सवरिया, किस्मत जगा दी तूने सवरिया, किस्मत जगा दी तूने। इस सारी दुनिया में चलती उनकी हुकूमत है, इस सारी दुनिया में चलती उनकी हुकूमत है। ओ जियो 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 कभी बोलता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कैथल को अब छोटा खाटू धाम कह देना चाहिए, क्योंकि जो आज इस समय जिस जोश के साथ आप बैठे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा आप कैथल के कीर्तन में आए हो, ऐसा लग रहा है ग्यारस की रात है, खाटू में बाबा से मिलने आए। दोनों हाथ उठाकर जरा ताली बजाकर, हे श्याम बाबा मैं आपकी कसम नहीं खा सकता, मगर आपको मेरी कसम है, आज कैथल में जो उठाएं दोनों हाथ। क्या हुआ भाई, पीछे हो जाओ, तार तोड़ दिया? देखो ऐसा मत करो भाई, तीन चार बाउंसर वहां चले जाओ, दो तीन बाउंसर वहां चले जाओ, इनकी तो तार जुड़ी हुई है, उनकी तार बचा लो। हे श्याम बाबा जो उठाए दोनों हाथ, आप पकड़ लेना उनका हाथ, और जो बजाएं ताली कैथल में 12 महीने बनाएं दिवाली, और जो मचाएं शोर कभी ना रहे कमसा। नैया मेरी बाबा अब ढोलने लगी है, इसको किनारा दे दो, इसको किनारा दे दो सवरिया, इसको किनारा दे दो, ढोलती ये
इसको सहारा दे दो सवरिया, इसको सहारा दे दो, इसको सहारा दे दो। बड़े दिनों के बाद मिलने का आया मुहूर्त है, बड़े दिनों के बाद मिलने का आया मुहूर्त है। भाई, ओ भाई, पीट क्यों रहे हो यार? कोई वो अकेला थोड़ी ना ग्रिल तोड़ रहा है। यहां हाथ मत उठाओ, ग्रिल टूट जाएगी, जुड़ जाएगी। दिल टूट गया कैसे जुड़ेगा यार? हाँ प्लीज प्यार से समझाओ, इसको पकड़ के खड़े रहो, नहीं तो मैं भी आता हूं तुम्हारे साथ। इस पंडाल के अंदर ये लाइट, ये साउंड, ये सजावट, मैं बजाने वाले, कैमरे, ये सब पैसा लेके आ सकते हैं, मगर ये जितने भगत आए हैं ये पैसा लेके नहीं, बाबा श्याम लेके आए। ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। एक बार बोलो मेरे साथ, ओम ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। दोनों हाथ उठा के गाना, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जिसको जहां जगह है बैठ जाओ। ये ग्रिल टूट जाएगी, किसी के चोट लग जाएगी। देखो ऐसा मत करो, कोई बुजुर्ग 8 बजे का बैठा है यहां, प्लीज बैठ जाओ। मेजर मेजर बोलिए, हनुमान जी महाराज की जय। आज सुबह सुबह लंदन लंदन इंग्लैंड, वहां से एक वीडियो आया, अंग्रेज कपाल भाती कर रहे थे और पीछे पता क्या चल रहा था? सिया राम जी के चरणों के भक्तों के रहते हरदम पास बालाजी, श्री राम जी के दूत बने खास बालाजी, तेरे दम से चले मेरी सांस बालाजी, तेरा साला सर दरबार तन्ने पूजे यो संसार, ओ दर पे आऊं बार बार, मन ने अच्छा लागे से, ओ मन ने अच्छा लागे से। मुझे इस बात की तो खुशी हुई कि वो लोग इंग्लैंड के अंदर बालाजी का भजन चला रहे हैं,
लेकिन उससे दुगनी खुशी तब हुई कि भी अंग्रेज भी हरियाणी भजन पे नाचन लग रहे थे। तो हरियाणा के लिए जरा जोरदार तालियां बजे हमारे। कौन कौन सुनना चाहता है बालाजी का ये भजन? दोनों हाथ खोल के बालाजी महाराज की जय। अजमी के लाल की जय। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी। भक्तों के रहते हतम पास बालाजी। भक्तों के रहते हतम पास बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास देखो बालाजी। ओ भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर देखो फूलों की होली चल रही है, यहाँ लठमार होली चल रही है। बैठ जाओ यार, बैठो भाई। देखो नहीं तो बाहर निकाल दिए जाओगे, पहले बता रहा हूं। अगर नहीं बैठे तो बाहर निकाल दिए जाओगे, क्योंकि प्रेमी वो जो एक बार में समझ जाए, जो एक बार में ना समझे वो कुछ और है। बैठ जाओ। कैथल में आया हूं, कैथल की इज्जत रखो। बैठ जाओ। मैं जाऊं तो किसी को कहूं कि कैथल जाके आया हूं, प्लीज। ये भी तो बैठे हैं। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी। कैथल के रहते हरदम खास बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी। तेरे दम से चले मेरी सांस बालाजी। तेरे दम से चले है मेरी सांस बालाजी। अच्छा, आपने कहना जय हो तेरा साला सरदरबार। तेरे क्या बात है तन्ने पूजे यो संसार। तेरा साला सरदरबार तन्ने पूजे यो संसार। दर पे आऊं बार बार मने अच्छा लगे से। 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 क्या हुआ? क्या हुआ? मैं नानी घूम गया। मैं नानी। क्या घूम गया? मैं नानी। मिलानी? दादी? नानी? घूम गई? क्या नाम है नानी का? बाला। बाला तो बाला के ही तो भजन गा रहे हम, बजरंग बाला। नानी बाला कहाँ छोटी थी, वहां तक साथ थी। और कौन आया? बस नानी के लिए आया, और कोई नहीं आया साथ में। कहाँ रहते हो? कैथल में। कैथल में? अब कहाँ खड़े हो? कैथल में ही हो ना? नहीं घूमते, अभी मिल जाएगी नानी। बाला नानी कितनी उम्र है? उम्र कितनी है नानी की पता ही नहीं? तेरी कितनी है? दस। दस साल? तो बैठ जा, आ जाएगी नानी। दस मिनट बैठ जा नानी बाला। ओ नानी बाला, रा नानी बाला, तेरे नाती को तेरी उम्र नहीं पता। आ जाओ, वो रो रहा है। देखो ये नानी का रिश्ता ही ऐसा होता है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले। एक बार अपनी अपनी नानी के लिए भी ताली बजा दो। माँ की माँ, माँ की माँ है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मजबूर बालाजी। तो हो गया था बड़ा मजबूर बालाजी। चरणों से हो गया था दूर बालाजी। चरणों से हो गया था दूर बालाजी। तेरी भक्ति का चढ़ गया सरूर बालाजी। भक्ति का चढ़ गया सरूर बालाजी।
तेरे करके मैं तो होया मशहूर वाला जी, तेरे करके होया हो तो मशहूर वाला जी, ओ तेरे करके हो गया मैं तो मशहूर वाला जी, तेरे करके हो गया मैं तो मशहूर वाला जी। और अगर बात सच्ची हो तो शोर मचना चाहिए एक बार। मेरा चल्या कारोबार, मेरा खुश है परिवार, मेरा चल्या कारोबार, मेरा खुश है परिवार, दर पे आऊं बार बार, मने अच्छा लगे से, मने अच्छा लगे से, मने अच्छा लगे से, मने अच्छा लगे से, मने अच्छा लगे से। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। देखो ये बरसाना, ये वृंदावन और वो मथुरा। अब देखता हूं किसकी ज्यादा आवाज आती, पहले आपकी बारी। वीर हनुमाना, अब आपकी बारी भाई साहब, मुझका सवाल है एक बार। वीर हनुमाना, हाँ जी मथुरा वाला। वीर हनुमाना राम नाम, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। साला सर आएंगे दर्शन पाएंगे, साला सर आएंगे दर्शन पाएंगे, चुगली करते जाएंगे, चुगली करते आएंगे। जाते जाते तो भजन चलते, आते आते कुछ और ही चलता है। पक्के राह करो हैं? ओ साला सर जाएंगे दर्शन पाएंगे, साला सर जाएंगे दर्शन पाएंगे, दर्शन दीजो रे प्रभु मन बसियो रे, दर्शन दीजो रे प्रभु मन बसियो रे, दर्शन दीजो रे प्रभु मन बसियो रे। अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी। शाम के रूप में, शाम के रूप में ऐसा कोई नहीं जो आज तक फिसला नहीं, और हरियाणा में रहने वाला वो शाम का प्रेमी नहीं जो सिसला गया नहीं। अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अरे जी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, अरे जी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। अच्छा, मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे आप सब? पक्का करें भाई? बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ, बैठ यहीं बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मैं चाहता हूं अभी 5 मिनट लगेंगे सिर्फ, उस 5 मिनट में मैं एक भजन भी गा सकता हूं, लेकिन उस भजन की जगह हमारे बीच आदरणीय कृष्णानंद जी महाराज, कृष्णागिरी जी महाराज आए हैं, और उनकी प्रेरणा से मुझे ये बोध हुआ है कि एक भजन कम गाऊं लेकिन 5 मिनट में हनुमान चालीसा जरूर गाएं। गाएंगे आप सभी? गाएंगे, गाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, हर नौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोरा हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय, मिलके गाओ एक बार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिद्धि लोक उजागर, राम तुलसी अतुलित नाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महा कंचन कानन विराजे
राम काज प्रभु रूप धारी विकट रूप धारी भीम रूप धारी रामचंद्र जी के आए सजीवन श्री रघुवीर रघुपति कीनी तुम मम प्रिया सहस बदन अस कहीं श्रीपति सुगम राम बिनु सब सुख पूरी आवाज में तुम रक्षक आवन तेज तीनों भूत पिशाच महावीर जब हनुमत छुड़ावे मन क्रम बचन सब पर दिन के बर दीन राम रसायन सदा तुमरे जन्म अंत जहां और देवता हनुमत से संकट कटे जो सुमिरे दोनों हाथ उठा के जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान कृपा करहु गुरुदेव की जो सत बार पाठ कर छूट ही जो यह पढ़े हो ये सिद्धि पीछे वाले सीदास सदा कीजे नाथ पवन तनय मंगल मूर्ति रूप राम लखन हृदय बसहु सुरभू प्रेमियों ये सियावर राम जब दिखाने लगे तो सबकी आवाज आई मैं भजन गाऊंगा हारा हूं बाबा सब गाएंगे गाऊंगा रिंगस के मोड़ पे सब गाएंगे तो साहब ये हनुमान चालीसा भी तो सब जोर से ही गाए ना आज ऐसी ऐसी पिक्चरें बन रही है जिसमें हनुमान जी बोल रहे हैं तेल तेरे बाप का कपड़ा तेरे बाप का वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम सब हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते आज सड़कों के ऊपर दुनिया वाले हनुमान चालीसा कर रहे हैं हम इतने बड़े पंडाल लगाकर भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते ये हमारी बहुत बड़ी भूल है आओ
कैथल ने जब भी रचा है इतिहास रचा है, आज से मैं भी ये घोषणा करता हूँ जब भी इतने भरे पंडाल में होऊंगा तो हनुमान चालीसा जरूर गाकर हटूंगा। दोनों हाथ उठाकर गाना, हम कथा सुनाते काम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते काम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मानते हो हनुमान जी को, राम जी की सेना चली, 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 आपकी जय श्री राम आने चाहिए, पापियों के नाश को जय श्री राम, धर्म के प्रकाश को जय श्री राम, आवाज नहीं आई, पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को, एक नई सेना चली, चली राम जी की सेना चली, 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 राम जी की सेना चली। और ये पीछे वालों के लिए, ओ छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, कहते हैं लोग ने, कहते हैं लोग ने राम का दीवाना, छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। और हे हनुमान जी महाराज, जो उठाए दोनों हाथ उनका कारोबार चला दो हाथों हाथ, जो बजाएं ताली 12 महीने करना रखवाली, और जो तेरे दरबार में नाचे वो दुनिया के आगे ना नाचे। दोनों हाथ उठा के जरा, एक दो तीन चार, जियो जियो। सिसला धाम में तोरण द्वार भी है क्या? बना दिया? देखो अगर बच्ची के मन में आया कि सिसला धाम में तोरण द्वार होना चाहिए, तो इसका मतलब पापा के मन में आया कि सिसला धाम में तोरण द्वार होना चाहिए। कोशिश करो, एक सिसला धाम की मंदिर कमेटी जो भी है, मेरी जहां भी उनको जरूरत पड़ेगी, मैं इस तोरण द्वार के लिए खड़ा हूं दिन रात उनके लिए। बनना चाहिए सिसला धाम में, इस बच्ची के मन में नहीं, इसके दिल में बाबा आए होंगे, वो बना कर ले आई। तो मैं जैसे तस्वीर में खड़ा हूं, ऐसा हकीकत में भी खड़ा होना चाहता हूं सिसला धाम में। दोनों हाथ उठा के, पांव में घुंघरू बांध के नाचे, पांव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे, राम के बिना राम के बिना हनुमान क्या करेंगे। ओ छम छम, ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, राम धाम 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 राम। तनुजवन कृष्णम ज्ञानिनाय अग्रगण्यम सकल गुण निधानम मानेराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाजातम नमामि मनोजवम
तत्ल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धि वातात्मनिष्ठम वातात्मजं मानर युद्ध मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपदे। पति रामचंद्र की जय। ये जो भाई खंभे से लटके हुए हैं, दोनों हाथ मत छोड़ना ताली बजाने के लिए, बस यही कहना चाहूंगा। क्योंकि जो इस तरीके से बाबा को देखते हैं ना, बाबा भी मंदिर छोड़ के फिर आपके घर के किसी ना किसी किनारे पे खड़ा होता है। ये क्या दीवानगी है साहब, एक बार कैमरा दिखाओ जरा, पूरा विश्व देखे। आज की रात हमारे फेसबुक पेज से और यूट्यूब से लगभग 5 लाख लोग एक रात में कीर्तन सुनते हैं, और पूरे वर्ल्ड से अभी काले भी देख रहे होंगे और गोरे भी देख रहे होंगे। काले मतलब अफ्रीका वाले और गोरे मतलब कनाडा वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, सब जगह बाबा के नाम के टिक्के लगा रखे हमने। ये बाबा की दीवानगी है। हाँ भाई, बच्चा गुम हो गया, एक नानी पहले नहीं मिल रही, फोटो नहीं खींचनी, बच्चा गुमने की बताओ। फोटो खींचने का इनका भी मन है भाई, पहले इनसे खींचेंगे। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, कहाँ हो बाबा श्याम रे, कहाँ हो सांवरिया, ओ मुझे तेरा सहारा है। भीगी पलकों ने तेरा नाम पुकारा है। प्रेमियों, कैथल की खासियत, हरियाणा की खासियत, रिंगस से खाटू छोटा सा बच्चा जा रहा था 7 साल का, हाथ में लकड़ी की महिंद्रा पिकअप गाड़ी, हाथ में खिलौने की तरह, जैसे ये बोतल पानी की मेरे हाथ में है, ऐसे महिंद्रा पिकअप गाड़ी लकड़ी की, रिंगस से खाटू बाबा को चढ़ाने जा रहा था। किसी ने कहा, बावड़े बाबा को निशान चढ़ता है, तू गाड़ी चढ़ाने जा रहा है? बोला, बाबूजी मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं और जब शाम को आते हैं तो उनके पाँव में बड़ा दर्द होता है, सुना है खाटू वाला सबको सब कुछ दे देता है, मैं बाबा को गाड़ी चढ़ा के आऊंगा तो बाबा मेरे पापा को गाड़ी देगा, उसे पैडल नहीं मारने पड़ेगा। ये भाव है प्रेमियों, आओ मिलकर बाबा के चरणों में। कौन कौन बुलाएगा बाबा को, आ जा भाई। ताली बजे जरा, खाटू नरेश की।
सरकार की, लखदातार की, लीले के सवार की। गिरते को उठाते हो, हारे को जिताते हो, 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 भक्तों के सारे गम तुम पल में मिटाते हो, भक्तों के सारे गम तुम पल में मिटाते हो, मझधार में नहीं आ है मझधार में नैया है, मझधार में नैया है, बड़ी दूर किनारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, कैथल वालों खाटू गए हो कि नहीं गए हो, दोबारा जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, जल्दी जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, सारे कैमरे का थल वालों की और पता लगे कौन कौन खाटू धाम जाना चाहता है, दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के बोलो जल्दी बुलाने वाले की। बोलिए शाम की अरे की सरकार की। और बाबा ये तालियां सुन रहे हैं आप, ये तालियां मेरे लिए नहीं, ये श्याम बाबा आपके लिए बज रही है, और ये ताली इसलिए बज रही है क्योंकि इनको आप पे भरोसा है, किसी को कह के आए हैं कि तू क्या सोचता है मेरा काम नहीं बनेगा, तू क्या सोचता है मेरे साथ कोई नहीं, मेरा काम भी बनेगा और मेरे साथ लीले घोड़े वाला भी है साहब। दरबार निराला है बाबा दिल वाला है, अगर बाबा दिल वाला है तो एक बार शोर मचा के बताओ कितना दिल वाला है। दरबार निराला है बाबा दिल वाला है, और कसम खा के जाओ बस तुमसे मांगेंगे तू ही देने वाला है, बस तुमसे मांगेंगे तू ही देने वाला है, जब हाथ दो हैं इन्हीं हाथों से लेने हैं तो सेठ भी दो ही रखो ना, एक अंजनी का लाला और एक खाटू वाला, तो हाथ दोनों उसी के लिए उठे जरा दोनों हाथ उठा के। दरबार निराला है बाबा दिल वाला है, दरबार निराला है बाबा दिल वाला है, बस तुमसे मांगेंगे तू ही देने वाला है, बस तुमसे मांगेंगे तू ही देने वाला है, मुझे जैसे मितलों को, मुझे जैसे मितलों को, मुझे जैसे कई मित्तल, जैसे कई मित्तल, स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल, एयरटेल का मालिक भारती मित्तल, तो मेरे जैसे तो कई मित्तल आए, और सुन लेना गरीबी कभी परमानेंट नहीं होती, अरे साहब गोलगप्पे बेचने वाला भी हल्दीराम का मालिक बन जाता है, दोनों हाथ उठाकर गाना। मुझे जैसे कितनों को, जैसे कितनों को, मुझे जैसे कितनों को, मुझे जैसे कितनों को, तूने पार उतारा है, ओ भीगी पलकों ने, भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, एक
कहा हो बाबा श्याम, कहा हो सांवरिया, ओ मुझे तेरा सहारा है। ना जाने करोड़ों भक्तों के दिल की बात है। एक बहन का फोन आया, बोली कन्हैया जी मैं अपना चमत्कार आपसे साझा करना चाहती हूं। मैं बोला बोलो बहन। बोली कन्हैया जी 3 साल पहले खाटू गई थी, जाते हुए 6-7 साल हो गए, लेकिन शादी को 6 साल हुए लेकिन गोद सुनी थी। बाबा को बोली बाबा तेरे तो एक इशारे का ही असर होना है, मेरी गोद भर जाएगी। मंदिर के बाहर खड़ी थी, बाबा को बोल रही थी गोद भर दो। तभी एक बहन आई 3 महीने का बच्चा लेकर और हाथ में दे गई। बोली बहन अंदर भीड़ ज्यादा है, मेरे बच्चे को 15 मिनट संभाल ले, मैं आके ले लूंगी। बोली कन्हैया जी दर्शन करके वापस आई तो वो बच्चा उसको जब देने लगी तो हाथ से छूट नहीं रहा था, क्योंकि गोद सूनी थी, 3 महीने का बच्चा हाथ में था। वो बहन समझ गई कि इसकी गोद सूनी है और ये तड़प रही है। बोली बहन चिंता मत कर, जहां तू आज खड़ी है 3 साल पहले मैं भी यही खड़ी थी। और भैया बाबा ने ऐसी कृपा करी कि अगले साल मैं भी 3 महीने का बच्चा लेकर वही खड़ी थी अपना। लेकिन एक गलती हो गई, समझ नहीं पाई, बाबा ने तो साल पहले ही मेरी गोद भर दी। मैं 1 साल तक बाबा को कोसती रही कि बाबा देता नहीं है। थोड़ा सब्र रखा करो मेरे भाई, आज कीर्तन में आए हो। कैथल वालों ये मत सोच लेना कि कैथल के कीर्तन में जाट मैदान में आए हो। आज आप जाट मैदान में नहीं, आज आप ठाट मैदान में आए हो, जहां से ठाट हम ठाट होकर जाओगे। दोनों हाथ उठाकर खाटू वाले के लिए ताली बजाकर गाना, कहा हो बाबा श्याम, हो बाबा श्याम, कहा हो बाबा श्याम, हो बाबा श्याम, ओ हमें तेरा सहारा है, भीगी पलकों ने श्याम पुकारा है, भीगी पलकों ने श्याम पुकारा। हे श्याम बाबा, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता, मगर आज आपके श्रृंगार में जितने फूल की पत्तियां होंगी उतने श्याम प्रेमी आज यहां बैठे हैं। अगर आपकी फूल की पत्ती आपके श्रृंगार को सजा रही है तो ये श्याम प्रेमी भी आपके दरबार को सजा रहे हैं, और जो आपको सजाता है उसे सजाने का आपको भी हक बनता है। जो उठाए दोनों हाथ उनके जीवन को सजा देना हाथों हाथ, जो बजाए ताली 12 महीने बनाए दिवाली, और जो लगाए जयकारा उनका बनना सहारा। बोलो हारे के सहारे की। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मोहित। पापा का मोबाइल नंबर पता है? मम्मी का पता है ना? जा पीछे जाके डायल कर ले, चल इसकी मम्मी का फोन मिला के दो। कैथल का 5 साल का बच्चा भी नहीं घूम सकता, इतना स्याणा है कैथल। अब उसकी मम्मी इधर उधर होगी और चल्ला खाटू जावे। किसी ने मुझे कहा कि कन्हैया जी पंजाब में छल्ला होता है, मैं बोला भाई अगर पंजाब में छल्ला होता है तो हरियाणा में झल्ला होता है बाबा के नाम। जो झल्ला हो दोनों हाथ उठाकर दोहराना, चल्ला खाटू जावे, चल्ला खाटू जावे, चल्ला खाटू जावे, शाम से मांग के आए, शाम से मांग के आए, शाम को बोल के आए, शाम जी भर दो झोली।
मुहावरे सुन ले, भक्तों में मुझे भी चुन ले। कौन कौन भक्तों में चुना जाना चाहता है? ताली बजाए जरा। सांवरे सुन ले, भक्तों में मुझे चुन ले, मुझे लगी तेरे नाम की धुन रे बाबा। आपके लिए गा रहा हूं भाई। कैथल से आऊ, कैथल से, कैथल से, कैथल से, कैथल से, कैथल से आऊ, थली पे नाचू गाऊ, थली पे नाचू, थली पे नाचू गाऊ, थली पे नाचू गाऊ, मैं खुड़ता पैर के के जच के बाबा, के नच के बाबा, के सबने लेके आऊ रसुन ले श्या। तेरे नाम का, तेरे नाम का झल्ला, मैं हूँ जग में कल्ला, सांवरे जग में कल्ला, सांवरे जग में कल्ला, सांवरे जग में, तू सुन ले मेरिया गल्ला, तू सुन ले मेरिया गल्ला, सुन ले मेरिया गल्ला, सुन ले मेरिया। क्या बात है, कितना रुलाओगे हम कितना सताओगे, कितना रुलाओगे हम कितना सताओगे। कैथल के बाहर से कौन कौन आया है? जो कैथल के बाहर से आए हैं, और अब बाबा ताली बजाओ जरा अपने लिए। और कैथल वाले कौन कौन बैठे हैं? और क्या बात है, कितना रुलाओगे कितना सताओगे, कितना रुलाओगे हम कितना सताओगे, तुम्हें तरस नहीं आता कितना तड़पाओगे, तरस नहीं आता कितना तड़पाओगे। मझधार में नैया है, खाटू धाम से कला भवन के आदरणीय गुरुदेव पुरुषोत्तम जी, पुजारी जी भी आए हैं। एक बार मैं चाहूंगा वो भी खड़े हों और सबको दर्शन दें। और मैं चाहूंगा अगर वहां इत्र है तो एक बार बाबा को इनके सब के नाम का एक इत्र चढ़ा दो। चाहते हो आपके नाम का इत्र चढ़े बाबा को? ताली बजाओ जरा एक बार। आहा, ऐसा श्रृंगार पूरे जून के महीने में नहीं देखा भाई जैसा आज हो रखा है। जोरदार ताली बजे कैथल के लिए। जियो भाई जियो। कितना रुलाओगे कितना सताओगे, तुम्हें तरस नहीं आता कितना तरसाओगे। पुजारी जी ऐसे नहीं, गुरु जी ऐसे नहीं, थोड़ा मैं इनकी तरफ से कर दूं, ऐसे पकड़ो जरा एक बार। बोलो खाटू नरेश की जय। यार हरियाणा वाले लाडू भी ऐसे ही चढ़ावे, लेकिन आपसे निवेदन, मैं गुजारिश करता हूं, अब लाइनें बड़ी हो गई हैं, 12 लाइनें हो गई, 14 लाइनें हो गई, इत्र को फेंक कर मत चढ़ाओ साहब, लोगों के पांव में लगता है। और गुलाब की अगर कली चढ़ाते हो तो सिर्फ गुलाब चढ़ाओ, कांटे मत चढ़ाओ, भक्तों के पांव में लगते हैं, खून निकलता है। और श्याम प्रेमी का जब खून निकलता है तो बाबा की आंखों से आंसू निकलते हैं साहब। इसलिए अपने आप को इतना मजबूर मत करो कि दूर से देखा इत्र तो चढ़ नहीं रहा, फेंक के मारी साहब। नहीं, जो फेंक के मारेगा फिर बाबा क्या करेगा, उसको भी ऐसा प्रेम से प्यार से बाबा के दरबार में जाएं, मिलकर गाना। मुझ जैसे कितनों को तूने पार उतारा है, तो पार उतरना चाहते दोनों हाथ उठाकर। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, भीगी पलकों ने
ये मेरे लिए है, मेरे पास कई हैं, मैं किसी और को दे दूं। दोनों हाथ की ताली बजे, ये भाई तुम्हारे लिए, पीछे वाला, ये बीच वाला, हाँ इसको दो। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। क्या बात है, कहा हो सांवरिया, खाटू नरेश की। काफी सारे भजनों की फरमाइश है, कोशिश करूंगा एक बजे तक का समय है उसमें पूरा करूं। हरा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा, जीतूंगा एक दिन, मेरे माझी बन जाओ मेरी नाव, रोते को बाबा तुम गले, हारा हूं बाबा दिन, मेरा दिल है। मैं आज से 5-6 साल पहले एक सपना देखा था कि कभी हमारे देश के राष्ट्रपति भी खाटू श्याम जी जाएं, क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, जो वो करता है वही पूरा देश करता है। और प्रेमियों, ये सपना बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी खाटू श्याम जी जाएंगे। मेरा मकसद कोई और नहीं है साहब, कोई मकसद नहीं, सिर्फ इतना सा है कि पंक्ति में खड़ा हर व्यक्ति खाटू श्याम जी पहुंच जाए। कई लोग मुझे कहते कि आप नेताओं का नाम लेते हो, साहब मैं हर उस शख्स का, नाम छोड़ो भजन छोड़ो, उसके घर में पोचा भी लगा दूंगा जो किसी प्रेमी को खाटू ले जाने की बात करेगा। साहब भजन तो बहुत बड़ी बात है साहब, यहां पर भी कैथल में कोई कहे कि मैं 10 गाड़ियां भेजता हूं खाटू श्याम जी कन्हैया आओ, पहले मेरे घर में झाड़ू लगाओ फिर भेजता हूं, वादा करता हूं साहब मैं मुकरूंगा नहीं, मैं झाड़ू लगा दूंगा आपके घर में, लेकिन 10 गाड़ियां खाटू बाबा के भक्तों को ले जाना, मेरे जीवन का सफल हो जाएगा मेरा ये जीवन, और कुछ नहीं है। मेरे मांझी बन जाओ मेरी नाव चला जा। मेरे भाई जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, दुकानों के मालिक हैं, शोरूमों के मालिक हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बाबा ने आपको गाड़ी दी है, ड्राइवर भी दिया है, महीने में एक बार आप खाटू जाओ और एक बार अपने स्टाफ को खाटू श्याम जी जरूर भेजो, उनका भी मन होता है कि वो भी खाटू धाम जाएं, मगर सेठ अकेला ही चला जाता है, स्टाफ नहीं जा पाता। एक बार सेठ चला जाए, एक बार स्टाफ चला जाए, मेरा वादा है जितनी मर्जी फैक्ट्रियों की लाइन लगा लेना, जितने मर्जी शोरूमों की लाइन लगा लेना, लेकिन अगर बाबा के प्रेमियों को बाबा से मिलवा दिया, दुनिया में आपका नाम अमर हो जाएगा साहब। मेरे मांझी बन जाओ मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। हारा क्या हुआ, मिल गई नानी, जीतूंगा एक दिन। देखो इस मंच के ऊपर, ओ प्रधान जी, इस मंच के ऊपर कोई इशारा किसी को नहीं करना, ठीक है,
सरदार जी साडे अपने बोले सोनिहार। ये भगवा दो ही लोगों का है, या तो सिखों का है या हमारा है, बाकी दो नहीं मानते इसको, ये वाले भी नहीं मानते। मेरे को किसी ने कहा आजकल फादर बड़े हैवी हो रहे हैं, मैं बोला फादर हैवी हो रहे तो ग्रैंड फादर ज्यादा हैवी हो रहे हैं। धर्म कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन पैसा दे के आप क्रिश्चियन बनाते हो, शर्म करो यार, शर्म करो। और तुम्हारे सांता क्लॉज का भरोसा नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मारे घोटे वाले का भरोसा पक्का आएगा, और जिस दिन वो आएगा उस दिन सांता क्लॉज नहीं आएगा। तो दोनों हाथ उठाकर बाबा के शरणों में आ जाओ भाई। को पानी पिला रहे हो, ये लो ले लो। हारा हूं बाबा भरोसा है, सांस खोलो बंद है, सांस सांस निशन खोलो। एक फूल गुलाब का लाया हूँ, कैसे चढ़ाते हम, फेंक के मारते हैं, चढ़ता कैसे है। एक फूल गुलाब का लाया हूँ बाबा तुझको अर्पण के लिए, एक फूल गुलाब कलाया हूँ बाबा तुझको अर्पण के लिए, एक फूल गुलाब कलाया हूँ बाबा तेरे अर्पण के लिए, एक फूल गुलाब कलाया हूँ बाबा तेरे कैथल में श्याम जी आया हूँ, कैथल में श्याम जी आया हूँ बाबा तेरे दर्शन के लिए, कैथल में श्याम जी आया हूँ बाबा तेरे दर्शन के लिए। मैया रे मैया, मैया रे मैया एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे, मैया रे मैया एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे, चाबी भर कर जब छोड़ू वो एक रटन लगा दे, बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम। ये भाई बच्चे को लेकर खड़ा है कंधे पर, कितनी देर से खड़ा है, ऐसे लोगों के लिए ताली बजाओ।
जब ये बच्चा बड़ा होगा ना भाई, तो ये नहीं कहेगा पापा शिमला जाना है, ये यही कहेगा पापा बगल वाली सीट पे बैठ, गाड़ी मैं चलाऊंगा, खाटू धाम लेके चलता हूं तुझे बाबा। ना मैं मांगू हाथी घोड़ा ना कोई बाजे वाला, ना मैं मांगू हाथी घोड़ा ना कोई बाजे वाला, मुझको तो बस आज दिला दे मोहन मुरली वाला, मुझको तो बस आज दिला दे मोहन मुरली वाला, एक बूंद उस अमृत रस की हो, एक बूंद उस अमृत रस की मैया मुझे पिला दे, चाबी भर कर जब छोड़ू वो एक रटन लगा दे। बोले श्याम श्याम श्याम, 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 मेरी अखिया करे इंतजार सांवरे, मेरी अखिया करे इंतजार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरे पलकों का घर तैयार सांवरे, किस किस का घर तैयार है बाबा के लिए, जरा ताली बजे, एक ये दो ये तीन ये चार, कीबोर्ड खोलो। नहीं है लगता घाटों में तो भीड़ बहुत, नंबर नहीं है लगता, सिसला धाम में नंबर लगता है कि नहीं लगता है, तो घाटू में भी नंबर लगेगा मेरे भाई, दोनों हाथ उठाकर। घाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है लगता, घाटू में तो बैठ जाओ नंबर नहीं है लगता, जी भर कर हम देख न पाते जब भी बाबा सजता, हम देख न पाते जब भी बाबा सजदा, जी भर कर करूंगा दीदार सांवरे, जी भर कर करूंगा, किस किस का खुले दर्शन चाहिए, पलकों का घर तैयार सांवरे, मेरी पलकों का घर तैयार सांवरे। मैंने आपको सच बताऊं दिल की बात, जो लोग लाइनों से दर्शन करने जाते हैं ना, वो बाबा के सच्चे प्रेमी होते हैं साहब। मैं आज से 4 महीने पहले VIP से दर्शन करने जा रहा था, लेकिन मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा जो प्यास से तड़प रहा है, भूख से तड़प रहा है, गर्मी लग रही है, फिर भी लाइन में लटकता लटकता अपने बाप के साथ आगे बढ़ रहा है। मैंने उस दिन बाबा को बोल दिया, बाबा माफ करना, जितनी भूल हुई हो गई, लेकिन अब कभी जिंदगी में मैं VIP तेरे दर्शन के लिए नहीं आऊंगा, मैं भी उसी लाइन में जाऊंगा जिस लाइन में ये प्रेमी जाते हैं साहब। और प्रेमियों सच बता रहा हूं, जब जब लाइन में जाते हैं तो ऐसा लगता है हम धरती पे नहीं, बाबा ने कंधे पे बिठा रखा है हमेशा। अपना जो कुछ था मैं बाबा तुझको सौंप के आ गई, अपना जो कुछ था मैं बाबा तुझको सौंप के आ गई, तू मेरा मैं तेरी बाबा कितना समझ के आ गई, तू मेरा मैं तेरी बाबा कितना समझ के आ गई, दुनियादारी बड़ा झमेला मेरे समझ ना आवे, दुनियादारी बड़ा झमेला मेरी समझ ना आवे, मैं तेरा तू मेरा बाबा ये ही समझ में आवे, क्योंकि हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार, हो गया
पकड़ लो एक बार और पकड़ लो ओ नहीं तो नहीं तो कुछ ना बिगड़ेगा हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी शान जाएगी पकड़ लो हाथ बंधवारी नहीं तो डूब जाएगी जो भी तुम्हारे दर पर आता संग उसके चल पड़ता जो भी तुम्हारे दर पर आता संग उसके चल पड़ता आज अगर कीर्तन में दो आयो ना तो वापसी तीन जाओगे कोई कहे कि मोटरसाइकिल पे तो दो ही बैठते हैं तो ये तो इतना सा है आपकी टंकी पे बैठ के चला जाएगा जो भी तुम्हारे दर पर आता संग उसके चल पड़ता जो भी तुम्हारे दर पर आता संग उसके चल पड़ता तुझको कोई फर्क नहीं है फर्क मुझे है पड़ता तो कोई फर्क नहीं फर्क मुझे है पड़ता लुटाना चाहता हूँ मैं प्यार सांवरे लुटाना चाहता हूँ मैं प्यार सांवरे पलकों मदद नहीं करता अमेरिका में भी मदद करता है अमेरिका गया एक दिल्ली का प्रेमी दोस्त ने बुला लिया आजा डॉलर में कमाएंगे सारा पैसा लेके अमेरिका चला गया और जब पैसा खत्म हुआ दोस्त ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया कैलिफोर्निया अमेरिका की सड़क पे बैठा है और सोच रहा है बाबा क्या गलती हो गई मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया फिर याद आया कि बाबा को बोल के आया था कि अमेरिका जा रहा हूं तू भी साथ चल लेकिन अमेरिका आए बात तो उसको याद ही नहीं किया जैसे ये बात याद आई कि उसको याद ही नहीं किया तो मन ने कहा अब याद कर ले सड़क पे बैठे हुए दोनों हाथ उठा दिए हारे के सहारे यात्रा श्री श्याम परिवार रॉबर्ट्सगंज उत्तर प्रदेश वाले कश्मीर के लाल चौक से खाटू धाम पैदल जा रहे हैं 51 दिन के लिए जिसमें हमारे बड़े भाई संजय मित्तल जी भी जा रहे हैं बड़ी परेशानी लेकर जा रहे हैं चलना बड़ा मुश्किल है गर्मी बहुत ज्यादा है एक हाथ उनके लिए उठाओ कि बाबा उनको शक्ति दे खाटू धाम पहुंचे जरा ताली बजा कर गाना आएगा 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 चढ़ सामरा आएगा 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 चढ़ सामरा आएगा मेरा श्याम दयालु है मेरा श्याम दयालु है वो बड़ा कृपालु है वो बड़ा कृपालु है
श्याम सहारा पाएगा, मेरा श्याम दयालु है, वो बड़ा कृपालु है, ओ लाएगा 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 खुशियाँ हजारों तक लाएगा। बाबा जो उठाए दोनों हाथ, लीले चढ़ के चले जाना उनके घर हाथों हाथ, जो बजाए ताली 12 महीने करना रखवाली, और जो लगाए जयकारा उनका बनना सहारा, बोलो हारे के या। शीश के दानी की छोड़ेंगे ना हम तेरा पारो बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा पारो बाबा, मरते दम तक ओ, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम हे श्याम बाबा। वो और होंगे जो रिंगस से खाटू पैदल चल के अपना काम बनवाते होंगे, ये कैथल वाले हैं, इनका काम बना देना, नहीं तो ये बहुत भारी पड़ते हैं, ये रिंगस से नहीं ये कैथल से ही पैदल चल पड़ते हैं। हारे के सहारे आजा तेरा दास मुखारे आजा, बोल बोल के पानी से बाबा तेरे चरण पखारो, आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारो, हो नैनों के काजल से बाबा तेरी नजर उतारू, नैनों के काजल से बाबा तेरी नजर उतारू। जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। जिन आंखों में ना कन्हैया हो वो बेकार सांवरे, जिन आंखों में ना कन्हैया वो बेकार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे। कैथल में भी बाबा का मंदिर है, गए हो आप? कौन कौन नहीं गया आज तक, सच बताना, झूठे हाथ में तो उठाना, कैथल में रहते हो कैथल के मंदिर में नहीं गई, हाथ उठा के बताओ, जाके आओ फोटो खींच के डालो ताकि दुनिया को भी पता लगे कि कैथल में भी बाबा का मंदिर है। हमारे जैसे अरे गहरे नथु खैरों के साथ फोटो खींच के डाल देते हो, दुनिया के मालिक के साथ फोटो खींच के डालो यार, बात बनती है कोई? कैथल के श्याम मंदिर में जाना वादा करते हो? बोलो मैं कैथल के श्याम मंदिर जाऊंगा, 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 दर्शन करके आऊंगा, बाबा से मांग के आऊंगा, जे काम अड़ गया तो निशान ठाके कैथल के मंदिर में होके सिसला धाम जाऊंगा। बोलो खाटू नरेश की, जिन आंखों में ना कन्हैया वो बेकार सांवरे,
किस किस का घर तैयार हो दोनों हाथ उठाकर कहना। पलकों का घर तैयार, और कह देना मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा, लेकर जाऊंगा, लेकर जाऊंगा, मैं 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 लेकर जाऊंगा। ओ खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, ओ खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, ओ कथल तेरा बाबा माला माल हो गया, कथल तेरा बाबा माला माल हो गया। ओ जब चढ़ेगी, जब चढ़ेगी खुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की, जब चढ़ेगी खुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। कभी सुबह जपता कभी शाम जपता माला जपे तेरे नाम, खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, खाटू जाने के लिए तैयार। कौन कौन तैयार है खाटू जाने के लिए भाई? अच्छा कैथल से बस चली कि नहीं चली खाटू श्याम जी की? चल गई ना हरियाणा सरकार की, चली है ना? नहीं चली तो बताना साहब, नहीं चली। यहाँ के जो भी विधायक हो उनको चिट्ठी लिख के देना, चाहे वो किसी भी सरकार के हो, मुख्यमंत्री अपनी सरकार का श्याम सरकार का है, बस चलेगी पक्का कैथल से, लिख के मेरे पास भेज देना, मैं हाथ जोड़ के चलवा दूंगा साहब। कौन कौन चाहता है बस चलनी चाहिए कैथल से? ये बात हटू जाने के लिए तैयार होता है, हटू जाने के लिए तैयार होता है, दिन में सौ सौ बार जय श्री श्याम कहता है, दिन में सौ सौ बार जय श्री श्याम कहता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, इतनी टेंशन ना ले फूट जाएगा, बैठ जा। प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, ओ खाटू जाने के लिए तैयार करता है, खाटू जाने के लिए तैयार करता है, किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, तूफान दियो से बाबा से बाबा वो डरता नहीं, जिन्हें दिखता ही बस घनश्याम हो, परवाह नहीं संसार की, जिन्हें दिखता ही बस घनश्याम हो, परवाह नहीं संसार की। मैं कभी वीडियो नहीं बनाता लेकिन आज मेरा मन है, मैं कैथल में हूँ 25 जून की रात, और ये श्याम प्रेमी कैथल के हैं, अभी थोड़े से दिख रहे होंगे लेकिन अब देखो। ओ खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, ओ खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, ओ कैथल तेरा बाबा माला माल हो गया, कैथल तेरा बाबा माला माल हो गया, जब चढ़ेगी। आजकल ये श्याम प्रेमी है जी कैथल के, हरियाणा सरकार से निवेदन है कि कैथल से भी सरकारी बस खाटू श्याम जी के लिए जानी चाहिए कि नहीं? तो देखो साहब, सब चाहते हैं तो भेज दो साहब, बोलो खाटू नरेश की। किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, तूफानियों से मामा से बाबा वो डरता नहीं, जिन्हें दिखता ही, जिन्हें दिखता ही बस घनश्याम हो, परवाह नहीं संसार की, जिन्हें दिखता ही बस घनश्याम हो, परवाह नहीं संसार की। जिंदगी के दुखों से उदास नहीं होते कैथल में रहने वाले, कभी निराश नहीं होते। इन हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीर है उनकी भी होती है साहब, जिनके हाथ नहीं होते। उठा लो जरा दोनों हाथ और ताली बजा लो जरा प्रेम से, 1 2 3 4। ये
तोरण द्वार की दिन रात करता है, बंदे तोरण द्वार की दिन रात करता है। कैथल में भी तोरण द्वार बनना चाहिए कि नहीं? देखो यहाँ की चेयरमैन मेरी जान पहचान की है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर निगम के पास पैसा हो तो लगाना, कुछ कम बचे तो हमें बताना, मैं इनसे दो दो रुपया इकट्ठा करके तोरण द्वार हम कैथल में बना लेंगे, बस परमिशन करवा दो। चाहते हो कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तेरा हाथ उठा के बाते तोरण द्वार की दिन रात हर बात की शुरुआत तेरे साथ करता है, बात की शुरुआत तेरे साथ करता है। अगली लाइन गाना, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है। एक बार बोलो श्याम बाबा, आवाज नहीं आई, बोलो श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा। ओ भाई ये पीछे बड़े, बाहर जाना है क्या? आगे नहीं आना, पीछे हो जाओ, जोर नहीं मारना। ये भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं जो ग्रिल के अंदर खड़े हैं, है? ऐसा मत करो यार। एक बार बोलो श्याम बाबा, ओ मेरी झोली भर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, मुझको सेवा दे दीजिए, मुझको दर्शन दे दीजिए, एक गाड़ी दे दीजिए, सेवन सीटर दे दीजिए, एक बंगला दे दीजिए, पांच मंजिला दे दीजिए, एक शोरूम दे दीजिए, दाएं बाएं दे दीजिए। अब आपको कुछ लोग कहेंगे शर्म नहीं आती, पापा से बंगला मांगता है, गाड़ी मांगता है, शोरूम मांगता है, उसको कहना ठीक है नहीं मांगता, तू दे दे, देगा क्या कोई? देगा? और बाबा शाम देगा कि नहीं देगा? तो मांग लो बाबा से दोनों हाथ उठा के एक बार। दुनिया के सेठ फोटो से, दुनिया के सेठ फोटो से, बाबा हमारा सबसे करे, बाबा हमारा सबसे करे, दुखी खाटू वाला सेठों का सेठ, 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 सेठों का सेठ। ओ दुनिया कैसे फोटो सटे, दुनिया कैसे फोटो से, ओ बाबा हमारा सबसे करे, बाबा हमारा सबसे करे, खाटू वाला किसको अपनी अपनी गाड़ी चाहिए भाई? बोलो तीन बार धारी की गाड़ी जो अपनी नहीं है तो भी ये सोचना नहीं है, गाड़ी जो अपनी नहीं है तो भी ये सोचना नहीं है। अरे जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं उनकी भी गाड़ी खुद की नहीं होती, सरकारी में जाते हैं, हमारी तो फेर भी लूना अपनी है भाई, अपना तो मोटरसाइकिल भी अपना है। पापा से मांगो गाड़ी जो अपनी नहीं है तो भी ये सोचना नहीं है, गाड़ी जो अपनी नहीं है तो भी ये सोचना नहीं है। कैसे तू खाटू जाएगा तेरा बुलावा भी आएगा, कैसे तू खाटू जाएगा तेरा बुलावा भी आएगा, किसका बुलावा आएगा एक बार शोर मचा के बता दे भाई। बुलाने में ना होता बोले, बुलाने में ना होता बोले, बाबा हमारा सबसे करे, बाबा हमारा सबसे करे, क्योंकि खाटू वाला सेठो नसे, सेठो नसे, सेठो नसे, सेठो नसे, जो पापा के लिए ताली बजाते हैं दुनिया उसके लिए ताली बजाती।
जो बाबा के आगे नाचते दुनिया उसके आगे नाचती, तो जो बाबा को सेठ बुलाते दुनिया वाले उसे सेठ बुलाते। भाई दोनों हाथ उठा के सारे कैमरे के थल वालों की तरफ, एक दाव ही चार। जो चाहे किराए का फिर भी वो तेरे घर आएगा, घर वो चाहे किराए का फिर भी वो तेरे घर आएगा, घर है जो चाहे किराए का फिर भी वो तेरे घर आएगा, घर है जो चाहे किराए का फिर भी वो तेरे घर आएगा। जिन लोगों का मकान किराए का है ना, वो बिल्कुल मत सोचा करो किराए का है। मकान हो सकता है किराए का हो, मगर हरियाणा तो आपका है ना साहब, भारत तो आपका है, कहां करो। घर है जो चाहे किराए का फिर भी वो तेरे घर आएगा, घर वो चाहे किराए का फिर भी वो तेरे घर आएगा। दिल से ज्योत जगाए जा नीले पे चढ़ के वो आएगा, दिल से ज्योत जलाए जा चढ़ के आएगा। बुलाने में ना हो ना तूले, बुलाने में ना हो ना तूले, ओ बाबा हमारा सबसे करे, बाबा हमारा सबसे करे क्योंकि खाटू वाला। देखो कीर्तन तो इन्होंने कराया, खलबली यहां मचरी। क्यों मचरी? क्योंकि बाबा ने इनको कीर्तन कराने का सानिध्य दिया, बाबा को बुलाने का सानिध्य दिया, और आप लोगों को मिलने का मौका दिया। साहब किस किस से मिलने आया बाबा, जरा ताली बजा दो भाई एक बार जोरदार। ये बात 1 2 3 4 लखदादार की। पल्ला अटदा फिरे बाबे नू कहंदा फिरे, पल्ला अटदा फिरे बाबे नू कहंदा फिरे, पल्ला अटदा फिरे बाबे नू कहंदा फिरे, पल्ला अटदा फिरे बाबे नू कहंदा फिरे। ओए तेरे बिना दिल मेरा लगता नहीं, जदो खटू वाले आवे अख लड़ गई, जदो खटू वाले आवे अख लड़ गई, ओदन दे दुख मेरे दूर हो गए, जदो खटू वाले आवे अख लड़ गई, ओदन दे दुख मेरे दूर हो गए, जदो खटू वाले आवे अख लड़ गई, ओदो दे ही दुख मेरे दूर हो गए। बिड़ला हो चाहे अडानी उनकी भी सुन लो कहानी, बिड़ला हो चाहे अडानी उनकी भी सुन लो कहानी, टाटा हो चाहे अंबानी खाटू में भरते हैं पानी, टाटा हो चाहे अंबानी खाटू में भरते हैं पानी। एक आदमी ने मुझे फोटो भेजी, बोला देखो कन्हैया जी अंबानी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भोजन कर रहा है। मैंने वो फोटो देख के उसको दोबारा एक और भेजी। मैं खाना खा रहा था डाइनिंग टेबल पे, अपनी बगल वाली कुर्सी खाली थी, मैंने वहां पे श्याम बाबा की तस्वीर रख दी। मैं बोला वो उसके साथ खा रहा है जो 5 साल रहेगा, और मैं उसके साथ खा रहा हूं जो हजारों साल रहेगा। भाई टाटा हो चाहे अंबानी इनकी भी सुन लो गानी, टाटा हो चाहे अंबानी इनकी भी सुन लो गानी, बिड़ला
में भरते हैं पानी, मिलना हो चाहे अजानी, कथन में भरते हैं पानी। मांगने में ना हो ना तू लेट, मांगने में ना हो ना तू लेट, बाबा हमारा सबसे करे, बाबा हमारा सबसे करे, क्योंकि खाटू वाला कैथल वाला, तिजोरी में धन कम है ये समझ के अपने आप को गरीब मत समझ लेना। ये कैथल की लाइटों पे आप खड़े हो मोटरसाइकिल पे, और बगल वाला मर्सिडीज में खड़ा है, तो जरूरी नहीं वो सुखी ही होगा। हो सकता है वो चार गोलियां खा के सोता हो, आप चार रोटियां खा के सोते हो साहब। शुक्रिया कर दो बाबा का दोनों हाथ उठा के। गजब मेरे वाले, गजब धरे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा धाम है। गजब मेरे ठाठू वाले, गजब धरे ठाठ निराले। देखिए मैं अक्सर बोलता रहता हूं, मेरे लिए सिसला धाम भी पूजनीय है, मेरे लिए चुलकाना धाम भी पूजनीय है, मेरे लिए बीड़ बबरान भी पूजनीय है। अब जब सिसला आते हैं तो बात आती है, जहां दिया शीश का दान वो सिसला धाम, जब चुलकाना जाते हैं तो वहां भी ये बात आती है, जहां दिया शीश का दान चुलकाना धाम। मैं भी आप ही की तरह एक अनजान बाबा का भगत हूं, मैं गुजारिश करूंगा फिर से बीड़ बबरान वालों से भी, इन तीनों से, सिसला धाम से भी, चुलकाना धाम से भी, और बीड़ बबरान से भी, तीनों बैठे और एक साथ फैसला करें कहां दिया शीश का दान, ताकि इन सभी भक्तों को आने वाले समय में कंफ्यूजन का दरवाजा ना देखना पड़े। मैं मानता हूं सारे धाम पवित्र, लेकिन यह मंदिर कमेटियों की अपनी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिसको वो बैठकर करे, और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। हम श्याम प्रेमी चुलकाना में भी शीश का दान समझ के माथा टेकते हैं, और सिसला धाम में भी शीश का दान समझ के माथा टेकते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा तो हम अमेरिका वालों को भी सिसला धाम में माथा टेकवा देंगे। क्या बात करते हो। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। सबसे पहले बाबा तेरा काम, सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलाएंगे। खाटू में तेरा प्यारे जूसा लग जाएगा, खाटू में तेरा प्यारे जूसा लग जाएगा, झूम झूम कर तू भी प्यारे यही गाएगा। खाटू वाले गजब कर खाट निराले, जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, फल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, फल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। आजकल लोग कहते हैं कि कीर्तन कराना इतना महंगा हो गया है, तो कीर्तन कराएं कैसे, बाबा मनाएं कैसे। कीर्तन कराना पहले भी महंगा नहीं था, आज भी महंगा नहीं है, ये आयोजन है साहब। कीर्तन के लिए तो 2 रुपए का मिट्टी का दीपक, 20 पैसे की रुई, 10 पैसे की माचिस की तिल्ली, 2 रुपए का घी, और करोड़ों रुपए की आपकी भावना चाहिए। कहीं भी जला लो वही कीर्तन हो जाता है साहब। जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, बल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। जिसने भी बाबा
बाबा की बाबा जो जलाई है फल में उसने साम प्रभु की कृपा पाई है। होली और दिवाली वो तो रोज मनाएगा, होली और दिवाली वो तो रोज मनाएगा, खुश होकर के शाम धनी की महिमा गाएगा। सेठो के सेठ जब मेरे खाटो आने जब थारे घाट निराले सेठ बाबा श्याम कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल कर दे एक बार कह दो जय श्री श्याम 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 कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल कर दे किस्मत के ताले को एक बार खोल करके दे कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल के दे किस्मत के ताले को एक बार खोल के तो दे। सभी बैठ जाएं, मेरी गुजारिश, जिसका कोई नहीं जगत में उसके बाबा श्याम, ये बैठते बैठते भी गा रहे हैं। जिसका कोई नहीं जगत में उसके बाबा, इस दुनिया का एक ही मालिक खाटू वाला श्याम। कोई कहे ना कि तेरे पीछे कौन खड़ा है जो इतनी डिंगे मारता है, उसको कहना मेरे पीछे खाटू वाला खड़ा है। अकेला मत समझ लेना, तू तीन बाण चलाएगा ना एक भी नहीं लगेगा, मारे वाला एक ही चलाएगा, पहुंचने से पहले ही काम हो जाएगा। जिसका कोई नहीं जगत में उसके बाबा श्याम, इस दुनिया का एक ही मालिक खाटू वाला गजब मेरे। देखिए एक भजन और गाऊंगा, आज आनंद आया कि नहीं आया, दोनों हाथ उठाकर गाना। गजब मेरे खाटू वाले गजब तेरे घाट निराले सेठों के सेठ। अच्छा अगले साल चाहते हो कि ऐसा ही आयोजन है करो, कौन कौन चाहता है? अगले साल फिर मिलोगे, पक्की बात है, पक्की बात है। हे बाबा ये जाट मैदान थोड़ा और बड़ा कर देना, क्योंकि अब की बार तो छोटा पड़ गया है। चलो हाथ खोल कर गाना। गजब मेरे खाटू वाले गजब तेरे घाट निराले सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब मेरे खाटू वाले गजब तेरे घाट निराले सेठों के सेठ बाबा श्याम। बैठ जाइए प्लीज, हाथ जोड़ता हूं, बैठ जाइए, अब तो बहुत जगह बन गई। और थोड़े घर चले जाओ, एक बज रहे रात के, नहीं जाते? ताली बजाओ मेरे अपने लिए। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। और तुम तब से खंबे पे खड़े हो, आ जाओ नीचे, थके होंगे यार। मेरा जी करता मैं खड़ा हो जाऊं तेरी जगह, तेरे को यहां बिठा लूं। आ जा इधर से, आ जा, ये दोनों आ जाओ, ये दोनों जो चढ़े हुए ना इधर आ जाओ, मंच पे आओ, ऊपर बैठो थम, आ जाओ मेरे पास, आओ आ जाओ आ जाओ, इनको आने देना भाई प्रधान, वो दो आएंगे लाल कुर्ते वाले और वो भगवी टी शर्ट वाला, दोनों आ जाओ भाई, बड़ी देर से खड़े, और मत लटक जाना वहां पे, कहीं सोचो फिर मंच पे बैठने का मौका मिल जाएगा। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, आ जाओ टप जाओ, इधर आ जाओ, किधर आ जाओ। देखो ये इनके काम है साहब, बीस बीस भी खड़े होकर आपको काबू नहीं कर पा रहे, बताओ, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। हमारे रस्तोगी जी जो मन संचालन कर रहे हैं, मंच को संभाल रहे हैं, किस कीर्तन को संभाल रहे हैं, इनकी
स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता, बाबा कृपा करे ये जो मेरे तन का पसीना है, इस पसीने का अगर कोई मोल मुझे बाबा देना चाहते हैं तो उसकी जगह इनको ठीक करे, मैं समझूंगा मुझे मेरे पसीने का मोल मिले। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले कथल के उस मोड़ पे। देख भाई ऐसे नहीं बैठने को मिलेगा, पहले गले लगना पड़ेगा। बढ़िया, गुड, वेरी गुड, खुश रहो। कहाँ है माला मुड़ा पटका ले गया रे? हेलो, अरे मेहनत का फल मिलना चाहिए यार, ऐसे ही थोड़ी ना बाबा का डंका बज रहा है विदेश के अंदर। ये ऐसे ही श्याम प्रेमी है जिनके कारण बाबा का डंका बज रहा है। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा रिंगस के उस मोड़ पे। बैठ जाओ भाई, दो भजन ज्यादा गा दूंगा, किनको बिठाऊं? बैठ जाओ भाई, ओ भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, नीचे हो जाओ, ओके बैठ जाओ। आ जाओ भाई, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपको बना कर चले जाते हैं, मगर कुछ ऐसे आते हैं जो आपको बनाते जाते हैं। ये हमारा छोटा भाई है आशुतोष मित्तल अंबाला से, एक बार इसके लिए ताली बजा दो, शोर मचा दो जैसे मेरे लिए मचाते। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, और लेने आ जा तू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। किस किस को लेने आएगा बाबा रिंगस के मोड़ पे? नहीं, अरे अब तो ये हाईवे भी चकाचक हो गया है, ये काले के ढाबे के बाहर ही आ जाएगा लड़े यार, दोनों हाथ उठा के। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, बाबा जो उठाए दोनों हाथ लेने आ जाना हाथों हाथ, जो बजाए ताली 12 महीने मनाए दिवाली। 1 2 3 4 दुनिया से अब तो दामन थाम ले, हार गया मैं इस दुनिया से अब तो दामन
हाथ उठाना बाबा के साथ के लिए और दूसरा हाथ उठाना बाबा से कृपा मांगने के लिए और ताली बजाना बाबा हमारे साथ आ जाओ। जरा ताली बजाकर हार गया मैं इस दुनिया से अब तो दामन थाम ले। हार गया मैं इस दुनिया से अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने मेरे बाबा का तू नाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। बोला थाटू नरेश की जिन पर किया भरोसा मैंने छोड़ गए वो रोड पे। जिन पर किया भरोसा मैंने छोड़ गए वो रोड पे। ओए लेने आ जा, ओए लेने आ जा, ओए लेने आ जा कैथड़ के उस मोड़ पे। लेने आ जा खाटू वाले कैथल के इस बोड़ पे। आ गया दुनिया तारी सारी बाबा छोड़ के। आ गया मैं दुनिया तारी सारी बाबा छोड़ के। ये छोटी सी बहन मुझे देखकर गई, आप अपना सब कुछ जो भी करते हो उसको सौंप के किया करो। जब द्रौपदी की लाज जाने लगी तो कन्हैया आ गए। द्रौपदी ने ताना दिया कन्हैया को, कन्हैया आ गया हीरो बनने, हीरो बनने आ गया। तू तो चाहता तो जुए में मुझे हारने ही ना देता, लेकिन तू हीरो कैसे बनता, क्यों हरवाया? कन्हैया बोला द्रौपदी मेरा दोष नहीं है, जब जुआ शुरू हुआ जुए से पहले दुर्योधन बोला मेरा पासा मेरा मामा फेंकेगा, मेरा पासा शकुनी फेंकेगा, तेरे पांडव मुझे याद कर लेते कि मेरा पासा कन्हैया फेंकेगा, तो देखता हूं तुझे कौन हराता। द्रौपदी दोनों हाथ उठा के समर्पित होकर अपना सब कुछ बाबा के हवाले करके ताली बजाकर गाना ये एक गाओ ही जा। मैं कभी कहता नहीं, पता नहीं अच्छा माने बुरा माने, हरियाणा में एक पागल तो मैं हूं, एक पागल और है कैथड़ में हमारा संजय भाई, ये भी पागल है भाई बाबा का। आ जाओ इधर, आओ इधर, कैथड़ कैसे नाचता है ये अकेला ही बहुत है बताने के लिए। जरा ताली बजे एक बार हमारे संजय जी के लिए। ये बात बजाओ जरा एक बार एक दो तीन चार। ये बात दियो दियो दियो। तेरे नाम के दीवाने कैथड़ में आ गए हैं। तेरे नाम के दीवाने कैथड़ में आ गए हैं। आए हैं कि नहीं आए? किसी ने कहा भाई तुम इतने वीआईपी हो कि बाबा तुम्हारे लिए आएगा। मैं बोला क्यों नहीं आएगा, क्या शबरी अयोध्या गई थी? बताओ गई थी क्या? राम आए थे। क्या खेवट गया था? राम आए थे। बोले नहीं सुदामा तो गया था, तो सुदामा दरवाजे तक गया था, लेने तो कन्हैया भी जूते उतार कहीं भागा था। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाय, लगाया गले से सुदामा को मोहन। अरे द्वार पालो ओए, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा
ना सर पे है पगड़ी ना तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो। मिलने सखा बदे नसीब आ गया जियो, एक बार हमारे रिदम वालों के लिए ताली बजा दो भाई। अनिल भाई, शुभम भाई, राहुल भाई, हमारे अमन भाई, और ये पैड में भी, पैड भी रिदम में आता है क्या? हाँ, ये गोनी भाई, जरा ताली बजा दो एक बार इनके लिए यार। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाय चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। सुदामा ने भी कह दिया होगा, मैं ना जानूं पुजार चल, इतना मैंने जान लिया, मैं ना जानूं पुजार चल, इतना मैंने जान लिया। तू ही दौलत, तू ही शहरत, सब कुछ तुझको मान लिया, तू ही दौलत, तू ही शहरत, सब कुछ तुझको मान लिया। एक उंगली मेरी तरफ कर दो, अपना बना लो इस मित्तल को, अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। लेने आ जा लेने आ जा खांडू वाले लाइने, आप सब गाना। तीन बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू, ये लाइनों को अरदास समझ के गाना। 29 नवंबर 2021 को ये लाइनें लिखी थी। तीन बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू, तब मुझे सिर्फ शाम प्रेमी जानते थे। मात्र 3 दिन बाद मेरी कलम ने लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मात्र 3 दिन बाद, तो जो राम को लाए हैं वो मैंने नहीं लिखा, वो सांवरे ने लिखवाया है, इन दो लाइनों ने लिखाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा, आदरणीय गुरुजी, उन्होंने कहा, कन्हैया जी हम आपके भजन से उत्तर प्रदेश में जीत गए। मैं बोला, नहीं साहब, मेरे भजन से नहीं जीते, हारे का सहारा आपके साथ जुड़ गया था इसलिए जीत गए। आप भी गाना, तीन बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू, तीन बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे। मुझे बाकी नहीं पता, लेकिन 2024 में हम हिंदुओं के लिए मोदी जी का आना बड़ा जरूरी है, हिंदुओं के लिए। दोनों हाथ उठाना सनातन धर्म के लिए, जरा ताली बजाते। कभी संतों को सुनना, खुलकर संत बोल रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री दोबारा मोदी होना चाहिए। वो संत जिन्होंने ग्रंथ पढ़ दिए, मूर्ख नहीं है, वो भी जानते हैं, अगर इस सनातन को, इस देश के अंदर 100 करोड़ हिंदुओं की कोई शान बचा सकता है, आन बचा सकता है, तो वो प्रधानमंत्री है, मोदी ही है, और कोई और नहीं है। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर गाना, तीन बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू, तीन बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता, वैसे
मुझे दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई, हमें पूछने वाला कोई न था। बंदा साइकिल पे घूमता था काम की तलाश में, ऐसा काम बाबा ने करा दिया, प्रॉपर्टी डीलिंग का या राइस सेलर का या एडवोकेट बना दिया या कोई और काम चला दिया। वो साइकिल पे घूमने वाला अब गाड़ी से नीचे पाँव नहीं रखता है साहब, पाँव नहीं रखता है। हमें पूछने वाला कोई न था, तुम जो मिले जिंदगी मिल गई, समझ के अकेला सताती ये दुनिया, सितम पे सितम हम पे ढाती ये दुनिया, गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो, मुझे आपकी दोस्ती मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। खाटू जाने वालों का काम हो गया, रातों रात उनको आराम हो गया। बोलो खाटू जाने रातों रात उनको आराम हो गया, शाम साथ हो गया, शाम साथ हो गया, शाम साथ हो गया, शाम साथ हो गया। खाटू जाने मेरी तरफ से आज अंतिम के भाव है। आनंद आया आज की नहीं आया? अपने लिए तालियां बजा दूं। देख जरा तू पल्ला बिछा के खाली ना जाएगा दर से, देख जरा तू पल्ला बिछा के खाली ना जाएगा दर से, तुझको वो सब मिल जाएगा बरसों से जिसको तू दर से बुलावा आएगा, तू भी बाबा के दर पे जाएगा, क्योंकि खाटू जाने वालों का काम हो गया, रातों रात उनको आराम हो गया। रात उनको आराम हो गया, शाम साथ हो गया, सिर पे हाथ हो गया। बोले साचे दरबार की जय। आइए जाता जाता सिर्फ दो मिनट और लूंगा, भैर भी दिखाओ जरा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कट्टर हिंदू आए हैं क्या? मैं मेरे घर के बाहर लिखाने वाला हूं,
जो कट्टर हिंदू नहीं है कृपया अंदर ना आए। एक बार कह दो जय श्री राम, एक बार और कह दो जय श्री राम, एक बार और कह दो जय श्री राम। आजकल हमें खतरा क्रिश्चियन धर्म से हो चुका है, क्रिश्चियन लोगों से हो चुका है। ये लोग छोटे छोटे गांव में जाते हैं। ये बीमारी पंजाब में बहुत बड़ी लग चुकी है, हरियाणा में मत लगने देना मेरे भाई। नहीं लगने दोगे ना? वादा करते हो नहीं लगने दोगे? इनका स्टाइल बताता हूं क्या है। ये पहले गरीब घर को ढूंढते हैं, उनको 1000 रुपए महीना देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उनके घर में कोई बीमार होता तो उसका इलाज कराना शुरू कर देते हैं। महंगे स्कूलों में चले जाओ, सेंट मैरी, सेंट कबीर, सेंट जोसफ, सेंट ये, सेंट वो, बिना सेंट लगाए कोई जाता ही नहीं। पढ़ के आए ना आए सेंट जरूर लगा के जाएगा। इन स्कूलों में अगर गरीब ने एडमिशन कराना है, अमीर तो पैसे लेके चला जाए तो भी नहीं होता। उसको कहेंगे फलानी चर्च में चला जा, फादर को हालेलुया बोलिया और तेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद वो भाई चर्च जाने लग जाता है। और एक दिन उसको पता क्या कहते हैं कि तुम्हारे भोले शंकर में ताकत थोड़ी ना है, तुम्हारी मैया जी में ताकत थोड़ी ना है, तू यहीं आ जा, यहां तुझे मरने के बाद भी हम पैसा देंगे और जीते जी भी पैसा देंगे। और वो धर्म बदल लेता है मेरे भाई। और एक टंकी लेके आते हैं पानी की साथ में, उसमें डुबकी मराते और बोलते तुम क्रिश्चियन हो गए। मजा तो हरियाणा की ताई ने दिलाया फादर को, हरियाणा की ताई, उसके घर में फादर आया करता। अब जब भी फादर आया करता उसके बच्चों के लिए चॉकलेट लाया करता, कभी कपड़े लाया करता, बच्चे बड़े खुश हो जाते। ताई हमेशा फादर को नाश्ता कराती, फादर खुश हो जाता। एक दिन फादर का जन्मदिन आ गया, फादर केक लेके आया, बोला ताई मेरा जन्मदिन है ये खा लो। ताई ने खुश होके केक खा लिया। फादर जोर से बोला ताई तू भी क्रिश्चियन होगी। अब हरियाणा की ताई थी, ताई ने फादर को यहां से पकड़ा, हो इधर तू रोज मेरा नाश्ता करके जाता था, इसका मतलब तू तो फिर कट्टर हिंदू हो गया होगा। तेरी एक बार केक खाने से मैं क्रिश्चियन होगी, फिर तो तू हरियाणा का पानी पी 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 कट्टर हिंदू हो गया होगा। तो भाई ध्यान रखा करो, कोई धर्म छोटा नहीं है, लेकिन पैसे के ब्याज पे आप किसी हिंदू को, किसी सिख को क्रिश्चियन बनाओगे तो इट्स वेरी बैड। अंग्रेजी तुम्हें आती है तो अंग्रेजी हमें भी आती है, तुम तुम्हारी वाली बोल देना, हम हरियाणवी वाली मिक्स करने लग गए तो तुम्हारे को तकलीफ हो जाएगी। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, हरियाणा में फिर से भगवा लहराएंगे। भगवे का मतलब सिर्फ एक राजनीतिक दल से नहीं है मेरे भाई, कहीं मेरी बात को गलत ले जाओ। मैं तो कहता हूं ना फूल के बंदे हैं ना हाथ के बंदे हैं, जो मारे राम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं, जो राम की बात करेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे साथ। मैं धर्म के क्षेत्र से आता हूं इसलिए धर्म की बात करता हूं। कौन कौन भगवा लहराएगा हरियाणा में, आ जा भाई। हरियाणा में फिर से भगवा लहराएंगे, हरियाणा में फिर से भगवा लहराएंगे, हरियाणा में फिर से। अच्छा देखो, 2014 से पहले
हम जय श्री राम ऐसे बोलते थे, जय श्री राम आज कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? मैंने कुछ नहीं बोला आपको, रिपोर्ट कार्ड आप खुद दे रहे हो साहब। ये वॉल्यूम किसने बढ़ा दी हिंदुओं की? ये हिंदू जाग गया है मेरे भाई, जगे हुए हिंदू, हाथ उठाना और ताली बजाना। एक दो तीन चार, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, कौन सा भी सजा दी है, कौन सा चैनल है? द हरियाणा। भैया हमारी बहन समाचार पत्र से है, जो दरबार में आते हैं कल अखबार में आते हैं। एक बार कैमरा जरा इनकी तरफ घुमा देना, दोनों हाथ उठा के। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो। राष्ट्रपति जी से मिलके आया मैं अभी परसों, तो मुझे राष्ट्रपति जी बोले, कन्हैया जी आप क्या गाते हैं? मैं बोला मैं बस इतना गाता हूँ कि जब रामनाथ जी राष्ट्रपति थे तब हम राम मंदिर का फैसला लाए, अब द्रौपदी आई है तो मथुरा का फैसला आना चाहिए। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। भगवान है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवान है चोला जिनका और राम की बात करे। अगली लाइन आपने गानी है, हिंदू है हिंदू हम, ना 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 ना, हम हिंदू थोड़ी ना, हम तो बढ़िए हैं, हम तो जाट हैं, हम तो गुजर हैं, हम तो वाल्मीकि हैं, हम तो शर्मा हैं, हम तो वर्मा हैं, हम तो खत्री हैं। खा गया भाई ये जातिवाद, खा गया हिंदुओं को। कोई पूछे तो गाड़ी के पीछे बनिया मित्तल गुप्ता शर्मा वर्मा हटा दो और बस हिंदू छाप दो साहब। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि खाटू श्याम जी में भक्तों का रेला बड़ा है, बड़ा कि नहीं बड़ा, बड़ा कि नहीं बड़ा। रिंगस की रोड खाटू श्याम जी तक, रिंगस की रोड खाटू श्याम जी तक कितने किलोमीटर की है? 17। आज से 2 साल पहले एक भी शराब का ठेका नजर नहीं आता था, लेकिन अब शराब के ठेकों की तादाद बढ़ती जा रही है। क्या धार्मिक स्थल में शराब के ठेके होने चाहिए? देखो हमारी तो चलती नहीं है साहब, चलती होती तो बात ही क्या है, लेकिन आप भी गौर करो, हर बात हम ही नहीं उठाएंगे, आपको भी उठानी पड़ेगी। देखो कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, ये आपके ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ही करना पड़ेगा। हम तो बस भक्तों को खाटू भेज सकते हैं, रास्ता साफ कैसे होगा ये आपने देखना है भाई। दोनों हाथ उठा के, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के है, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के है,
बस इसीलिए मोदी, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। ज्ञान वापी सुनाया आपने, सुनो जरा। सोई किस्मत जाग रही है भारत सत्य सनातन की, मस्जिद से शिवलिंग बोल रहे हैं, ओ नमः शिवा, मस्जिद से शिवलिंग बोल रहे अपनी बात पुरातन की, मस्जिद से शिवलिंग बोल रहे अपनी बात पुरातन, इतिहास औरंगजेबों का हर पन्ना फाड़ उड़ाएंगे, जहां हमारे शिव निकले हम मंदिर वही बनाएंगे, जहां हमारे शिव निकले मंदिर वही बनाएंगे, जहां हमारे शिव निकले मंदिर वही बनाएंगे, जहां हमारे शिव निकले मंदिर वही बनाएंगे। हमारा दोस्त है एमडी, हरियाणा के गाने गाता है, बढ़िया गाने गाता है, उसने लिख के दिया, उसके दोस्त ने लिख के दिया, अच्छा लगा, ताली बजे जरा एक बार। भारत भूमि ऋषियों की खून से अपने सींचा है, खून से अपने सींचा है, मुगल अकबर अंग्रेजों को गिरेबान पकड़ कर खींचा है। सरदार जी, ये हमारी विडंबना है कि जिसने बाबा बंदा सिंह बहादुर के शरीर से चमड़ी तक उतार ली, उसके नाम से दिल्ली में सड़कें बनी हुई हैं, अकबर रोड, मुगल रोड, चिंता मत करो, जब इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है तो अकबर रोड भी बाबा बंदा सिंह बहादुर रोड। हिंदू के दिल में हिंदुत्व की प्यारी ज्योत जलाएंगे, भड़काने का काम नहीं है मेरा, मेरा सिर्फ जगाने का काम है, बताने का काम है। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, किसी को लगे कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है साहब, लेकिन मैं कभी मस्जिद में जिंदगी में गया ही नहीं, तो जाऊंगा क्यों साहब, मेरा कोई काम ही नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उनके खिलाफ हो गया साहब। मुझे चर्च में जाना ही नहीं आता, जाते कैसे हैं तो मैं कैसे कह दूं, हनुमान चालीसा पढ़कर बड़े हुए हैं साहब, तो मंदिर में ही जाएंगे, कहीं और जाएंगे क्या, नहीं आता हमें अल्लाह अकबर गाना, क्या करें बताओ, हम बैरी थोड़ी ना तुम्हारे यार, हम भी मित्र हैं तुम्हारे, हम हाजी अली का भी सम्मान करते हैं, हम हाजी अली का भी सम्मान करते हैं, हम अजमेर शरीफ का भी सम्मान करते हैं, लेकिन कोई हमारे ज्ञान वापी के शिवलिंग को फवारा कह जाएगा और हम सुनते रह जाएंगे। हिंदू के दिल में हिंदुत्व की प्यारी ज्योत जलाएंगे, अरवादा है दूर नहीं है वो दिन, अब की बार सावन में मथुरा में जल चढ़ाएंगे, अब की बार सावन में मथुरा में जल चढ़ाएंगे, अब की बार सावन में मथुरा में जल चढ़ाएंगे, अब की बार सावन में मथुरा में जल चढ़ाएंगे, अब की बार सावन में मथुरा में जल चढ़ाएंगे। मैं कहूंगा जागते रहो, आपने कहना जय श्री राम, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जगाते रहो, जगाते रहो, मनाते रहो, सुनाते रहो, समझाते